भारत ने तब आजादी भी नहीं पाई थी जब व्यापार जगत के खिलाड़ी ने जन्म लिया था, डॉक्टर मधुसूदन खांबेटे। मई 1931 में आंजले गांव दापोली तालुका रत्नागिरी महाराष्ट्र में मधुसूदन जी का जन्म हुआ और उनके 3 महीने की उम्र में ही उन्हें कोलकाता ले जाया गया, जहां उनके पिता ने मेयर्स पंप में क्लर्क का काम किया। वो चौल के ग्राउंड फ्लोर में रहते थे जहां दुकानें थी और ऊपर के फ्लोर पर 25 परिवार रहते थे जो ज्यादातर गुजराती थे। एक मध्यम वर्ग के बेटे को उनके दोस्त उनके आतिथ्य, उदारता और मदद के लिए स्नेह से याद करते हैं। 1938 से लेकर 1942 तक खांबेटे जी ने प्राइमरी एंग्लो गुजराती स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की। इस तरह के परवरिश के साथ ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि खांबेटे जी अंग्रेजी, हिंदी और उनकी मूल मराठी के अलावा गुजराती और बंगाली बोलचाल करते हैं। I know Khambete Sahab since last 25 years and I have been working with him like, he's a philosopher in life and he has been fighting from street level to the prime minister and finance minister level. So that's about him because I have seen him many times that he can even go to any extent to fight with even street people, not just mafia and all. And so, I mean, it is very, very, I have learned many things from him. So, and I have taken forward in my life. He's a leader, he's a philosopher, he's an emotional person. So, in all, I cannot express in words. So, he is the best. विश्व बंधुत्व उनके खून में ही है और इसी कारणवश वह पक्षपात से बहुत दूर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा कोलकाता पर बमबारी की गई, इसीलिए खांबेटे जी को नागपुर में रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए भेजा गया था, जबकि उनके पिता कोलकाता में रह गए। उन्होंने आजादी के एक साल बाद 1948 में नागपुर में अपना मैट्रिक पूरा किया। फिर उन्हें मुलुंड बॉम्बे उनकी माँ के यहाँ भेजा गया, जहाँ उन्होंने अपना इंटरमीडिएट नारायण टोपे वाला कॉलेज से पूर्ण किया। वह न केवल एक खिलाड़ी बल्कि हॉकी, फुटबॉल और खो खो में अपनी स्कूल टीम की कप्तानी करते थे और नेतृत्व गुण प्रदर्शित करते थे। इंटरमीडिएट साइंस पूर्ण करने के बाद वो फिर कोलकाता चले गए। की प्रारंभिक रुचि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग थी, लेकिन दमदम हवाई अड्डे के पास एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट में भाग लेने के 3 साल बाद 1950 से 1953 के बीच उनको कुछ विनाशकारी समाचार मिला। सरकार ने एयरलाइंस उद्योग को अपने कब्जे में ले लिया था और घोषित किया था कि कर्मचारियों का अधिशेष है। उनकी सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। उनके पिता बहुत नाराज थे। काफी सौभाग्य से उन्हें वेस्टिंग हाउस सेक्सिवियन फार्मर के साथ ब्रेक मिला, जहां उन्हें ट्रेनी के रूप में लिया गया था। कारखाने में सप्ताह में 4 दिन काम करते हुए कॉलेज में 2 दिन की उपस्थिति के साथ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों में डिप्लोमा किया। हर 4 से 6 महीने में उन्हें विभिन्न विभागों, मशीन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, टूल रूम वगैरह के माध्यम से घुमाया जाता था। वह काम में इतने तल्लीन हो जाते थे कि वह फैक्ट्री में मिस्टर गुडचाइल्ड के सामायिक दौर से अक्सर बेखबर रहते थे। युवक के निष्ठा और एकल विचार ने स्पष्ट रूप से प्रबंध निदेशक को मजबूर कर दिया था और उन्होंने उन्हें लगभग 250 इंजीनियरों और 3,500 कर्मचारियों में से इंग्लैंड में 8 महीने की ट्रेनिंग के लिए चुना। उनकी वापसी पर वे EMU इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट में R&D में तैनात थे। उन्होंने अपने काम की वजह से बहुत यात्रा की। जमशेदपुर में टाटा लोकोमोटिव वर्क्स और वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में भी उन्होंने काम किया।
खुद में नवाचार और सुधार की खूबी को समझने के कारण उन्होंने खुद की एक स्वतंत्र इकाई शुरू करने का सोचा। When I started working in R&D department, it struck me that if I can do some work, good work for the R&D for the home industry, I mean for the company, that means I have got something in my mind, I can do something on my own. And because of that, I started my industry in Calcutta actually. Actually, I started my industry there. But one thing, daytime I work in the factory and in the night I will come under. And second thing, I take care that company has sent me abroad. They have not given any guarantee from me. So I must be honest to my factory. So I said, no, whatever they are producing, I will not manufacture any part of that. So I chose something that time. Armature fittings are new. I am talking of 1962. So the armature fittings are new. So I said, armature fitting means threadless fitting put together and tightened. So I said, there is a ferrule and there is a. So I did. And because these things are required by the railways and they were not manufacturing. So I started manufacturing this Calcutta. अपने कंपनी की तरफ उनकी ईमानदारी और परिवार की जिम्मेदारी ने उन्हें अपना खुद का व्यापार शुरू करने से रोक रखा था। तब भाग्य से उनके घर के सामने एक बिहारी अपने तबेले और 100 साइकिल रिक्शा के साथ व्यापार करने लगा, पर उसे अपने बेटे को इस व्यापार में नहीं घसीटना था। तब खांबेटे जी और उनके अच्छे मित्र एसवी जोशी ने बिहारी के बेटे श्याम सुंदर को अपने साथ व्यापार करने का मौका देकर तबेले के छोटे से जगह में ESKEJE इंजीनियर्स नामक न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक पाइप फिटिंग्स की विनिर्माण कंपनी की स्थापना की। अपने सिद्धांतों को आगे रखते हुए उन्होंने दूसरी कंपनियों की नकल नहीं उतारी और खुद आविष्कार कर प्रोडक्ट बनाया और एक्सपोर्ट करने लगे। बड़े ही कम समय में 1 से 2, 2 से 10 मशीन ऑर्डर्स आने लगे और खूब कमाई हुई। वह 1963 से लेकर 1965 तक कंपनी से घर आते और स्नान कर रास्ता पार कर अपने दूसरे काम में लग जाते। इसी दरमियान उनका परिवार भारत के विकसित होने वाले शहर ठाणे में रहने लगा। कंपनी से दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और तब भी कंपनी ने उनकी तारीफ कर उनको लौट कर आने के लिए सदैव कंपनी के द्वार उनके लिए खुले हैं ऐसा वादा किया। ESKEJE इंजीनियर्स अभी तक कोलकाता में जारी है। अब बस श्याम सुंदर जी नहीं रहे। ठाणे में खांबेटे जी का व्यापार रेलवे को पुर्जे पहुंचाने का था। काफी बुरी तरह से शुरू हुआ। साथीदार ने उनको धोखा दे दिया था जिसके तहत वो कंपनी से एक पैसा भी नहीं निकाल पा रहे थे। तब उन्होंने ठाणे वागड़ स्टेट में MIDC से 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट खरीदा और महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से 1,50,000 का लोन लिया और कहीं से 15,000 की रकम ली और अपना नया व्यापार अपने पिताजी रामकृष्ण के नाम पर रामसन इंजीनियर्स की स्थापना की। खुद 16 से 18 घंटे काम कर कुछ 50 कर्मचारियों को काम पर रखकर 3 शिफ्ट में काम करना फिलहाल उनका मकसद बन गया था। इतने वर्षों की मेहनत, अनुभव और एक सच्चे व्यापारी की पहचान दर्शाते खांबेटे जी ने अपने अन्य व्यापारी दोस्तों की परेशानियों को समझा और अपने 3 मित्र मिस्टर श्रीनिवास, मिस्टर गगलानी और मिस्टर RB अंकोला के साथ मिलकर 1974 में ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना की। किसी भी व्यापारी को कोई परेशानी आए जो उससे नहीं संभाली जाती थी, वो TISA से मदद लेने आ पहुंचता। 1977 में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस के आने से TISA का कार्य और भी जोरों शोरों से बढ़ने लगा। उस समय भी मिस्टर जॉर्ज मीटिंग के टाइम को बदलने की कोशिश कर रहे थे,
जिसके जवाब में खांबेटे जी ने उनके बगैर मीटिंग शुरू करने का ठाना था, पर मिस्टर जॉर्ज तब समय पर पहुंच गए थे। तो ऐसे अपने उसूलों के पक्के खांबेटे जी के जीवन में और भी परेशानियां, जिसे तीसा की इमारत को बड़े स्तर पर बनाना और उन परेशानियों से भी लड़ने अपना झोला लेकर चल पड़े थे खांबेटे जी। और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर चेंबर्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कोसिया की स्थापना हुई। I said that I just, Srinivas Patil was the CEO of MIDC. I said, I want to come and meet you. He gave me the appointment, I went there. Then I told him, you see, I mean, my nature is like that, right from that day, when I was only 20, 30 boy members, but I was strong way. So I asked him, what do you mean by MIDC? Maharashtra Industrial Development Corporation. That means what? You are to develop the industry in Maharashtra. But what you are doing? You are doing your work of a real estate man. You are selling the plot and forgetting about it. And that part, we are doing it. Helping the industry, solving their problem, see that they grow big and all that. So why not having what do you want, Mr. Khambete? I want a plot free. He's telling me 2,250 rupees per meter, and I'm telling free. How to dare, to ask for free? 2,50,000 rupees is way more. Or free. What are you talking, Mr. Khambete? There is no provision in our end that we can give the plot free. There is no provision in the law that you are in. I said, who made the laws? I went further. Who made the law? You changed the law. This is what, my nature is, right from the beginning. So, change the law. How it is possible? Put it into the government and get it. Believe me or not, 3 years I was chasing them, and at the end they said that all right, we'll give you at a notional price 1 rupee per square meter. So only for 1,100 rupees we got the plot. And not only we got the plot, but because of that, because they have changed the law, all the industrial associations all over Maharashtra, they were also benefited. So, this is my nature right from the beginning. Yeah, I'm not, because I believe in your age that, we should work honestly, no cheating, nothing, but that is my nature. डॉक्टर खांबेटे ने टीसा के बैनर के तले थाने से अधिक लघु उद्योगों को लाकर इसे मजबूत करने के लिए अपना अधिकांश समय दिया। वह व्यक्तिगत रूप से टीसा के सदस्य के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने का प्रयास करते थे। बाद में डॉक्टर खांबेटे ने टीसा के लिए अपना पूरा समय समर्पित करने के लिए रामसन इंजीनियर से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्य सरकार से भूमि की खरीद में और टीसा हाउस नामक टीसा के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए संसाधन जुटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोसिया को भी कामयाबी के शिखर पर कड़ी मेहनत से अप्पा साहेब ने पहुंचाया है। टीसा और कोसिया डॉक्टर खांबेटे के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, और वह अभी भी इन दोनों संगठनों के मामले के शीर्ष पर उसी जोश और समर्पण के साथ है जो उनके गठन के समय थे। अपनी पूरी जिंदगी काम कर सीखने की जुस्तजू में कभी हार न मानकर चलने की ताकत रखकर, संतुष्टि से जीवन जीने की चाह रखकर, अपने उसूलों को सबसे ऊपर रखकर चलने वाले खांबेटे जी आने वाले पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। अप्पा साहेब या जिन्हें उनके मित्र प्यार से मधु कहते हैं,
ऐसे डॉक्टर मधुसूदन खांबेटे सदैव संस्थापक दूरदर्शी नेतृत्व रखने वाले अपने उसूलों के पक्के और दमदार व्यक्ति के रूप में इतिहास में याद रखे जाएंगे। My name is Golavalan. I have a factory in Wireless Tech. I have started my factory in 1994 in Wireless Tech. And we have faced a lot of problems starting the factory from 94. At that time, we were fighting with a lot of other external factors like unions, MSB, labor department, factory department, ESIS, and they were coming and harassing us. After a few years, and at that time also, people told me about Thana Small Scale Industry. I came across Thana Small Scale Industries and I joined Thana Small Scale. I became a member of Thana Small Scale Industry in 2000. And in 2005, I became a committee member of Thana Small Scale Industry. At that time, I used to meet Appa regularly. And I have seen at 2005, fighting with government department and government authority. Even if anybody's personal problem, he was coming himself with any offices, he used to attend with us. We have fought for the octroi, removal of octroi. He was very active in that removal of octroi. He was always with us. And very, he was very vigilant and dynamic all the time with us. I have never seen a person who is fighting for industry without his own self-interest, you know, and for the surviving of industry. I really hats off to him, and I always wish God that God give him a long life, so all the industries, at least in Thane, will have a... person in the Thane, and for me, he is a fatherly figure for me, and not for me only, but our other members also, he is a fatherly figure, and his guide, his mentor, all of our TISA members, and he forget his age, but he is still very young, at about 90 years he is old, but he is very young, and he is working as 40 years old. That is his specialty, and everything he wants to know. And he keep physically fit himself also, and he is also very brave person. He still he wants to go anywhere for TISA, for industry's purpose, for any problem comes in industry in MSME in Thane area. So he is ready to go and fight with the concern against the government person or any other thing. But he is only thinking that whatever the benefit for the industries, that he is with us only. Dr. Appa Saheb Khambete, fatherly figure as everyone knows across India. Whenever I used to go to MSME board, I used to meet at least 10 persons across India who would know him. Way back in 77, he dreamt and made it realize that this very building for small scale industries, about 3,000 members. And then by 90s, he thought of having an exclusive organization for MSME across India. And with that dream, he was also instrumental in promoting the, drafting the MSME Act 2006. And for spreading the awareness across India, he at this age he traveled in the South India by train, and also within 3 days he covered from Mumbai to Bangalore to Mangalore to Goa and back to Bombay. So this kind of very arduous schedule he used to have to promote the cause of MSME.
He dedicated his 50 years of life entirely to MSME and he's still working. He said by within next 6 years, we are going to have the 50th birthday of TISA, and which we should start working from today. So that's how Dr. Appasar Thambetti is.